वेलकम टू गुलबूटे चैनल। पेश है बानो कुदसिया के कलम से एक तहरीर बाउनवान मर्द का ईसार। मैंने मर्द की बेबसी तब महसूस की जब मेरे वालिद कैंसर से जंग लड़ रहे थे और उन्हें सेहत याब होने से ज्यादा इस बात की फिक्र लाहक थी कि जो कुछ उन्होंने अपने बच्चों के लिए बचाया था वो उनकी बीमारी पर खर्च हो रहा है और उनके बाद हमारा क्या होगा। मैंने मर्द की कुर्बानी तब देखी जब मैं एक बार ईद की शॉपिंग करने बाजार गई और एक फैमिली को देखा जिनके हाथों में शॉपिंग बैग्स का ढेर था और बीवी शौहर से कह रही थी कि मेरे और बच्चों की खरीदारी तो पूरी हो गई, आपने कुर्ता खरीद लिया है, अब कोई नई चप्पल भी खरीद लें। जिस पर जवाब आया, जरूरत ही नहीं, पिछले साल वाली कौन सी रोज पहनी है जो खराब हो गई होगी, तुम देख लो और क्या लेना है, बाद में अकेले आकर इस रश में कुछ नहीं ले पाओगी, अभी मैं साथ हूँ, जो खरीदना है आज ही खरीद लो। मैंने मर्द का ईसार तब महसूस किया जब वो अपनी बीवी बच्चों के लिए कुछ लाया तो अपनी माँ और बहन के लिए भी तोहफा लाया। मैंने मर्द का तहफ्फुज तब देखा जब सड़क क्रॉस करते वक्त उसने अपने साथ चलने वाली फैमिली को अपने पीछे करते हुए खुद को ट्रैफिक के सामने रखा। मैंने मर्द का जब तब देखा जब उसकी जवान बेटी घर उजड़ने पर वापस लौटी तो उसने गम को छुपाते हुए बेटी को सीने से लगाया और कहा कि अभी मैं जिंदा हूँ, लेकिन उसकी खींची हुई कनपट्टियाँ और सुर्ख होती हुई आंखें बता रही थीं कि ढेर तो वो भी हो चुका, रोना तो वो भी चाहता है, लेकिन ये जुमला के मर्द कभी रोता नहीं है उसे रोने नहीं देगा। अभी आपने मुलाहिजा फरमाया बानो कुदसिया की कलम का शाहकार मर्द का ईसार। अब गुरबुचे की पूरी टीम आपसे इजाजत चाहती है। इसी तरह के दिलचस्प प्रोग्राम के लिए हमारा इंटरनेट पर मौजूद YouTube चैनल गुलबूटे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। टाइम फॉर न्यूज़।